दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड और साउथ की कुछ खास अपडेटों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट निकल कर आती है आहान शेट्टी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आहान शेट्टी जो कि साउथ की तड़प फिल्म का रीमेक कर बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला और इस फिल्म की हीरोइन रहेंगी तारा सुतारिया। तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम कर चुकी हैं। अब भी आहान शेट्टी की फिल्म तड़प में नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये रही थी आज की पहली अपडेट। भाई दूसरी अपडेट निकल कर आती है सुपरस्टार महेश बाबू और पावर स्टार पवन कल्याण को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महेश बाबू की फिल्म अपकमिंग जिसका नाम है सरकारू वारी पाठा और उस फिल्म की रिलीज डेट है संक्रांति 2022। और वहीं पर पावर स्टार पवन कल्याण ने भी कल अपनी अपकमिंग फिल्म पवन कल्याण 27 की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी है संक्रांति 2022। इन दोनों फिल्मों का क्लैश होगा। अब दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है वरुण धवन को ही लेकर। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट निकल कर आती है वरुण धवन की फिल्म संकी फिल्म से लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज वरुण धवन की कुछ फोटोज लीक हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो फोटो लीक हुई हैं साजिद नाडियाडवाला की ऑफिस कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, आज वरुण धवन साजिद नाडियाडवाला से मिलने के लिए गए थे। तो ये 99% कंफर्म हो चुका है कि कल उन दो फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। तो उन दो फिल्मों में से एक फिल्म तो संकी होगी वरुण धवन की। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन को आखिरकार साजिद नाडियाडवाला से काम आखिर क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। वरुण धवन संकी फिल्म के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए गए होंगे। तो ये कंफर्म हो चुका है कि संकी फिल्म की कल रिलीज डेट होना 99% कंफर्म है। अब दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आई है ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऋतिक रोशन ने अपनी बर्थडे के मौके पर फाइटर फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी और उसकी रिलीज डेट रखी गई थी 30 सितंबर यानी कि गांधी जयंती के मौके पर 2022। अब आपको बता दें इसका पूरा मैटर क्या है। आज रणबीर कपूर ने भी अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल्स की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दी और उसकी रिलीज डेट रखी गई है दशहरा यानी कि 5 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में मात्र 5 दिन का अंतर है, बाकी का इन दोनों फिल्मों में क्लैश होगा। तो दोस्तों, इसमें खास बात क्या निकल कर आई है। तो खास बात ये निकली है कि रणबीर कपूर ने जानबूझकर इतने पास में रिलीज डेट क्यों कंफर्म करी है, क्योंकि आप लोग पिछली फिल्में देख चुके हैं ना, बैंग बैंग और वॉर, इन दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई करी है। लेकिन दोस्तों, रणबीर कपूर ने भी बहुत दिमाग लगाया है, क्योंकि संदीप रेड्डी बांगा एनिमल्स फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और संदीप रेड्डी बांगा कबीर सिंह जैसी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी हैं। तो दोस्तों, उस फिल्म में भी कंटेंट होगा, तभी तो उस फिल्म को दशहरे के मौके पर और फाइटर जैसी फिल्म के सामने रख दिया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इन दोनों फिल्मों में कंटेंट अच्छा ही होगा। तो फाइटर फिल्म अपने बजट के हिसाब से 500 से 600 करोड़ की कमाई कर सकती है और वहीं एनिमल्स फिल्म अपने बजट के हिसाब से 200-250 करोड़ की कमाई कर सकती हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड और साउथ की कुछ खास अपडेट है यही थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो दोस्तों, आप लोग मुझको कमेंट कर जरूर बताना इन अपडेटों में से आपको सबसे अच्छी अपडेट कौन सी लगी थी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।